हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शन कमेंट के लिए। अगर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक चैनल मैसेज है और प्रॉब्ली ये हर किसी के साथ मैच करेगा नहीं, तो अगर ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो प्लीज़ ज़बरदस्ती उसे अपनी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आई फील बहुत वक्त से कार्मिक जो है वो डिवाइन फेमिनिन की तरह बनने की कोशिश कर रही थी। बहुत वक्त से वो प्रिटेंड कर रही थी, नाटक कर रही थी, कॉपी कर रही थी। बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिन्हें लग रहा था कि उन पर नज़र रखा जा रहा था, और ये गलत नहीं है। डिवाइन फेमिनिन, अगर आपको महसूस हो रहा है कि कोई आप पे नज़र रख रहा है तो ये गलत नहीं है, ये फैक्ट है। ये कार्मिक जो है ये पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो गया है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि डिवाइन फेमिनिन में ऐसा क्या है जो मैस्कुलिन्स उन्हें भुला ही नहीं पाते। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी डिवाइन मैस्कुलिन के दिल से डिवाइन फेमिनिन कहीं जाती ही नहीं है। इट्स लाइक कार्मिक्स 24 घंटे डिवाइन मैस्कुलिन को अपने पास रखने के बावजूद भी वो हमेशा डिवाइन फेमिनिन को फील कर पाती है। उसने अपने तरीके से बहुत कोशिश किया डिवाइन फेमिनिन को कॉपी करने के लिए, पर उससे और ज़्यादा दिनों तक कॉपी हो नहीं पाएगा। वो खुद इरिटेट हो रही है क्योंकि वो कोई और बनने की कोशिश कर रही है। वो अपनी रियलिटी नहीं जी रही है। इस कार्मिक को बहुत अच्छे से पता है कि डिवाइन फेमिनिन में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन्स कभी उन्हें भूल नहीं पाएंगे। तो वो नाटक कर रही थी डिवाइन मैस्कुलिन के सामने, दिखाने के लिए कि उसमें भी वो सारी क्वालिटीज़ है जो डिवाइन फेमिनिन में है। बहुत से लोगों के लिए ये डिवाइन मैस्कुलिन का एक्स है जो इस कनेक्शन को तोड़ना चाहती थी। डिवाइन मैस्कुलिन को अपने पास रखने के लिए ये कार्मिक ने एक्चुअली ब्लैक मैजिक किया है डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर। जब ये दोनों साथ में थे, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन साथ में थे, तो डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड को कंट्रोल करने के लिए इस कार्मिक ने कोई ब्लैक मैजिक किया, और जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन्स को ऐसा लगने लगा कि शायद डिवाइन फेमिनिन ये सब कुछ कर रही है। क्योंकि जब भी डिवाइन फेमिनिन के करीब डिवाइन मैस्कुलिन जाते थे तो उनके सर में दर्द होता था, कंफ्यूजन होती थी, ट्रिगर्स तो थे ही, ठीक है, चीज़ें बहुत ही ऑकवर्ड सा हो जाता था, अननेचुरल चीज़ें होने लग जाती थी जो साधन तरीके से होता नहीं है। तो डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा लगा कि शायद डिवाइन फेमिनिन उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। बट अब डिवाइन मैस्कुलिन को धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा है कि वो डिवाइन फेमिनिन नहीं थी, वो कार्मिक था जो उसे कंट्रोल करने के लिए
उनके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, इन दोनों को अलग करने के लिए जानबूझ के ये स्पेल उन दोनों के कनेक्शन के ऊपर डाल दिया गया था। इतनी कोशिश करने के बाद भी कार्मिक्स जो अपनी सच्चाई है वो उसे छुपा नहीं पा रही। धीरे धीरे उसकी जो जो मास्क है ना, जो मुखौटा है, वो अब धीरे धीरे फिसलने लग गया है। और डिवाइन मास्कुलिन को ये दिखने लग गया है कि शायद उसने गलत इंसान को चुन लिया। डिवाइन मास्कुलिन को इस बात का धोखा हो गया था कि कार्मिक्स डिवाइन फेमिनिन है, इसलिए क्योंकि कार्मिक्स डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज को एम्बॉडी कर रही थी। वो डिवाइन फेमिनिन को इतना ज़बरदस्त तरीके से कॉपी कर रही थी कि कौन सही है और कौन गलत है ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। और क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के करीब जाते ही उनके लाइफ में इतना उथल पुथल स्टार्ट हो जाता था और सर में दर्द होना शुरू हो जाता था, और पुराने जो दर्द थे वो उभरने लगे थे। एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन के करीब जाते पुराने जो दर्द था वो हील होने के लिए सरफेस होने लग गया था। और डिवाइन मास्कुलिन को लगा कि डिवाइन फेमिनिन शायद उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, क्योंकि इस कनेक्शन का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा था। उस वक्त चीज़ों को क्लियरली समझ पाना भी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और इन सारे दर्द, इन सारे तकलीफ़ों से वो बचना चाहते थे, वो उन्हें फेस करने के लिए तैयार नहीं थे, और वो भागे और सीधा जाके कार्मिक के गोद में जाके बैठ गया। बट अब डिवाइन मैस्कुलिन को इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने ना सिर्फ अपने कनेक्शन के साथ बल्कि अपने साथ भी गलत कर दिया। अब सिचुएशन ऐसी है इस कनेक्शन की कि कार्मिक्स जबरदस्ती डिवाइन मैस्कुलिन को अलग-अलग तरीके से अपने साथ बांध के रखने की कोशिश कर रही है। ये कार्मिक फेमिनिन डिस्टॉर्टेड है, बहुत जेलिसी है, झूठ बोलती है, एक पल कुछ कहती है, दूसरे पल कुछ और कहती है। सिचुएशन ऐसा है कि अब वो खुद अपने झूठ में फंसी चली जा रही है। उसने इतना झूठ बोला है, इतना प्रिटेंड किया है कि अब उसका चेहरा भी पहले जैसे नहीं रहा। वो इतना ज़्यादा बनावटी ज़िंदगी जीने लगी है कि एक्चुअली में वो जैसी दिखती थी, एक्चुअली उसे जैसे दिखना चाहिए था, उससे अब एकदम अलग दिखने लगी। ऐसा लग रहा है कि उसका चेहरा भी उसका अब है नहीं, उसका चेहरा तक चेंज हो चुका है। डिवाइन फेमिनिन को कॉपी करने के चक्कर में ये कार्मिक अपने फिजिकल अपीयरेंस को भी पूरी तरीके से खो चुकी है, और वो जो बनावटी जिंदगी जी रही है वो अब क्लियरली सबको दिखने लगा है, ना सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन्स को बल्कि सबको दिखने लग गया है। ये कार्मिक बहुत ही लालची है, बहुत पैसे की जबरदस्त भूख है इसे। अपने सेक्सुअलिटी को वो गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, और डिवाइन मैस्कुलिन एक लौते नहीं है जिसे वो अपने साथ बांध के रखी है। उसके ज़िंदगी में आई एम हियरिंग 4 लोग और हैं। ये फेमिनिन अलग अलग मैस्कुलिन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी है। इट्स अ वेरी डिस्टॉर्टेड और डिमोनिक एनर्जी है इसकी।
इसमें पैसे और ताकत की भूख इतनी ज़्यादा है कि इस कार्मिक का सोल ऑलमोस्ट पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। इसमें लाइट की कोई मतलब थोड़ा सा भी अंश शायद ही बचा होगा। बट आई फील इस सिचुएशन में एक टावर मोमेंट आएगा पक्का से। पक्का मैनिपुलेटर मजिशियन। आई फील डिवाइन मैस्कुलिन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे अपनी यूनियन को। वो कोशिश कर रहे हैं बट इट्स अ कॉन्स्टेंट बैटल। हमारी और हमारी डिवाइन फेमिनिन वो मज़े में है। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो और ये आपके मैस्कुलिन का अगर रीडिंग है, अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारा बरकत आ रहा है। स्पिरिचुअल, आई फील स्पिरिचुअल और पेंटिकल्स दैट इज़ फाइनेंशियल गेन्स। अगर आप अपने करियर में, आप किसी काम को लेकर के, अगर आप पहले कुछ वक्त से काम कर रहे थे तो उसमें आपको रिजल्ट्स मिलेगा। रेस्ट मोड, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। आई फील आप ऑलरेडी एक रेस्ट मोड में हो। इट्स लाइक आप बहुत ही ईजिली अब अपने लाइफ को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। डिवाइन फेमिनिन, आपको अब किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है। आप में एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो मेरा है वो तो मेरा ही रहेगा, और आपको बहुत ही आराम से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी जल्दबाजी के, आराम से अपने लाइफ को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। एंड ये पेज ऑफ सॉल्स, आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए हो कि आप अपने लाइफ में किसे आने ही देना चाहते हो और किसे नहीं। ठीक है, आप हर किसी को अपने लाइफ में आने की इजाज़त नहीं दे रहे हो। आप ऐसे हो गए हो, बहुत स्ट्रिक्ट। तो आप तो मज़े में हो। डिवाइन मैस्कुलिन के दिमाग और दिल के बीच में एक बैटल था जो अब ओवर हो चुका है। पहले उसे जो कन्फ्यूजन था, अब वो जानता है कि ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर इस कार्मिक के साथ वो रहा तो वो उसका खुद का चॉइस होगा, क्योंकि वो क्लियरली समझ चुका है कि ये कार्मिक जो है वो डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, मैं इस रीडिंग को कंटिन्यू करूँगी, ज़्यादा मेमोरी है नहीं। टेक केयर गाइस, बाय।